हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ देखेंगे टॉप 20 बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ हमने 20 क्वेश्चंस रखे हैं, 20 प्रश्न हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूल इकाई है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा ऊतक, बी है। अगर आप हमारा पूरी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और मैंने क्वेश्चंस के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी रखा है, आप देखेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा ऊतक, बी है अंग और सी है कोशिका। तो जो जीवन की मूल इकाई है वो है कोशिका। तो सेल को हम जीवन की मूल इकाई बोलते हैं। तो आगे हम थोड़ा सेल के बारे में अब हम जानते हैं। तो जो सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब एग्जामों में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। और जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब सेल सेल शब्द दिया था, मतलब सेल शब्द के बताया था। और रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी 1833 में। और थियोडोर सचवान थे, इन्होंने एनिमल में कहा था कि एनिमल वर मेड अप ऑफ द सेल्स, तो जो जानवर हैं वो सेल से बने हैं, इन्होंने 1838 में बताया था। 1833 में न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और सेल को पहले नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, कम से कम आपके 6 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गए, 6 प्रश्न। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, किस अंगिका को कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका की जो पावर हाउस है, तो पूछा जाता है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस, तो ऑप्शन है हमारा नाभिक, बी है राइबोसोम और सी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम, कोशिका की जो पावर हाउस है इसको हम जानते हैं इसके नाम से। तो अब हम थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं कि इसकी खोज सबसे पहले 1857 में। तो आप 1857 से ये भी याद रख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ था इंडिया में, तो ये भी एक पॉइंट है कि आप याद रख सकते हैं उस तरह से कि। और एक ये फिजियोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट बॉन कोलिकर, इन्होंने इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये आप देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ ये है, ये राइबोसोम है, और ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है ये आउटर चैम्बर है, और ये जो है ये मैट्रिक्स है, और ये वाला जो आप ये वाला जो देख रहे हैं तो ये डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये वाली, ये सारी ये F1 पार्टिकल हैं, और ये हमारे क्रेस्टी हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और बाद में 1886 में रिचर्ड ओल्डमैन थे, इन्होंने इसका नाम वायोप्लास्टिस रखा, जो जीवन कीटाणु मतलब वायोप्लास्टिस जीवन कीटाणु रखा इनका रिचर्ड ओल्डमैन ने। और 12 साल बाद, मतलब 12 साल के बाद एक काल वेंडा हुए, इन्होंने इसका नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? कार्ल वेंडा ने। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कार्ल वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो जो राइबोसोम है, अभी आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम था, उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा का उत्पादन, बी है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका जो कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण है। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, थोड़ा हम राइबोसोम के बारे में जानते हैं।
तो जॉर्ज ई पैलेड ने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी, राइबोसोम की खोज की थी कब, 1955 में। तो आप ये भी याद रखेंगे कि 1955 में जॉर्ज ई पैलेड ने। तो चौथा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा फंगी, बी है बैक्टीरिया। तो जो बी है हमारा, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है। तो थोड़ा हम इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है, इसमें नाभिक और झिल्ली, मतलब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो नाभिक और झिल्ली के बने अंग नहीं होते हैं उनमें, तो उनको हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। तो आगे हमारा पांचवा प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण। तो जो क्लोरोप्लास्ट का कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पौधों में, कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी परिवर्त करता है। क्लोरोप्लास्ट का यही प्राथमिक कार्य है, प्रकाश संश्लेषण। तो अब है हमारा छठा प्रश्न है ये, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा विटामिन त्वचा में उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन B12 और विटामिन सी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। सूर्य के जब हम संपर्क में आते हैं तो विटामिन डी मिलता है हमें। तो सातवां हमारा प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा न्यूक्लिक एसिड और बी है प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है, कोशिका झिल्ली का जो मुख्य घटक है वो है प्रोटीन। तो आठवां हमारा प्रश्न है, रक्त कोशिकाओं में कौन सी ऑक्सीजन का, कौन सी जो कोशिका है ऑक्सीजन का परिवहन करती है? तो जो रक्त कोशिकाएं उनमें ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो ऑप्शन ए है सफेद रक्त कोशिकाएं, बी है प्लेटलेट्स, सी है लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, अगर और दोस्तों में शेयर करें। तो ये नौवां प्रश्न है, जैविक प्रतिक्रियाओं में एंजाइम की भूमिका क्या होती है? तो एंजाइम की जो भूमिका है वो क्या रहती है जैविक प्रतिक्रियाओं में? तो तापमान को बढ़ाना, बी सक्रियण ऊर्जा को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सक्रियण ऊर्जा को कम करना। तो यही है इसका, जैविक प्रतिक्रियाओं में एंजाइम का जो कार्य रहता है सक्रियण ऊर्जा को कम करना रहता है। तो ये हमारा दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य है? तो यकृत का कौन सा कार्य है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन उत्पादन, बी है पित्त उत्पादन। तो जो यकृत का जो कार्य है वो है इंसुलिन पित्त उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पित्त उत्पादन का कार्य है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा 11वां प्रश्न है, तो अधिकांश जीवों में अनुवांशिक सामग्री क्या होती है? जो अनुवांशिक सामग्री होती है वो आरएनए, डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर है डीएनए। अनुवांशिक का पता हम डीएनए से ही पता लगा सकते हैं तो जो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी क्लोराइड न्यूक्लिक एसिड। तो 12वां हमारा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन ए है शेर ब्रम और बी है शेरे बेलम। तो जो शेरे बेलम है, जो मस्तिष्क को समन्वय और नियंत्रित करता है, वो शेरे बेलम करता है। तो आगे हमारा 13वां प्रश्न है, एंटीबॉडी द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है जन्मजात प्रतिरक्षा, अनुकूली प्रतिरक्षा,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुकूली प्रतिरक्षा बोलते हैं, एंटीबॉडी द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा को हम अनुकूली प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो अब है हमारा 14वां प्रश्न है ये, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवों की विशेषता है, कौन सा जीवों की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रजनन करने की क्षमता, बी है गति करने की क्षमता, सी है वृद्धि करने की क्षमता और डी है उपरोक्त सभी। तो जीवों में जो विशेषता है वो सभी हैं, प्रजनन, गति और वृद्धि की क्षमता। तो ये यहाँ डी हमारा राइट आंसर है। तो 15वां हमारा प्रश्न है, बड़ी आंत का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पाचन है, पोषक तत्वों का अवशोषण है और सी है जल का अवशोषण। जो बड़ी आंत का कार्य है वो कार्य है उसका जल का अवशोषण करना। तो अब है हमारा 16वां प्रश्न, इसके बाद हमारे पास चार चार प्रश्न और हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज की ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में? तो एरोबिक श्वसन, बी है एनारोबिक श्वसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनारोबिक श्वसन ही बोलते हैं ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को एनारोबिक श्वसन कहते हैं। तो ये हमारा 17वां प्रश्न है। तो गुर्दे का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो गुर्दा है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो ए है हार्मोन उत्पादन, बी है रक्त का निष्कासन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रक्त का निष्कासन ही इसका कार्य है, बी इसका जो राइट आंसर है। तो 18वां हमारा प्रश्न है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ए है हमारा एड्रेनालिन, बी है इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंसुलिन। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। तो अब है हमारा 19वां प्रश्न है ये, इसके बाद हमारा एक और प्रश्न है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? श्वसन तंत्र का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा रक्त का परिसंचरण और बी है गैसों का आदान प्रदान। तो श्वसन तंत्र का जो प्राथमिक कार्य है वो है गैसों का आदान प्रदान। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता बताता है? तो जो वायरस की विशेषता बताता है वो मतलब क्या है? तो स्वतंत्र रूप से प्रजनन करना, नहीं ये नहीं है, और कोशिकाओं से बना होना, ये भी नहीं है, और मेजबान की आवश्यकता होना। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो थोड़ा हम वायरस के बारे में भी जानेंगे अभी आगे, तो मेजबान की आवश्यकता होना तो ये राइट आंसर है। तो आगे हम थोड़ा वायरस के बारे में जानते हैं। तो वायरस क्या है? तो वायरस एक सूक्ष्मदर्शी संक्रामक एजेंट है ये, और जो वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ वायरस आल्सो नोन एज वायरोलॉजी। और इसकी जो खोज थी वो दिमित्री इवानोविस्की ने की थी, दिमित्री इवानोविस्की ने की थी 1892 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, और इसकी जो शेप है वो कई तरह की हो सकती है। और इन्होंने एक संक्रामक एजेंट को पहचान लिया था जो तंबाकू में मोजेक रोग का कारण बना था, और बैक्टीरिया से भी छोटा था। तंबाकू में कौन सा रोग के कारण बना था? मोजेक रोग के कारण, मोजेक रोग। और MW 1898 में उन्होंने कहा कि फिल्टर कॉन्टेगियम विवुअम फ्लूडम, और इसे तो MW ने वायरस नाम दिया था। आप ये याद रखेंगे कि वायरस नाम किसने दिया था? MW ने। तो ये हमारा लास्ट था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो थैंक यू।